हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं किरण चौधरी और आपका वेलकम है मेरे चैनल किरण चौधरी यूट्यूब क्रिएटर में। तो आज मैं एक और नई रेसिपी के साथ आई हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ले लिया है चिकन और मैं बनाने वाली हूँ फ्राइड चिकन, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी जूसी बन के तैयार होगा। तो यहाँ देख लेते हैं मैंने क्या क्या लिया है। फ्राइड चिकन बनाने के लिए मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यहाँ यूज़ करे हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है चिकन। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और ड्रेन कर लिया था। आधा किलो चिकन मैंने यहाँ पे लिया है। स्पाइसेस में लिया है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट एक बड़ा चम्मच, गरम मसाला एक चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, जीरा पाउडर एक चम्मच, चाट मसाला एक चम्मच, लेमन जूस मैंने निकाल लिया था एक नींबू का, और यहाँ लिया है बेसन, मक्की का आटा एक बड़ा चम्मच, बेसन भी एक बड़ा चम्मच लिया था। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने ले लिया है नमक और लिया है फूड कलर। फूड कलर यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का लिया है, आप ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। मैं कर चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर पहले चिकन को मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। तो सबसे पहले जो लेमन जूस था और कलर था मैंने इसमें डाल दिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स वन बाय वन डाल दूंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, बेसन, मक्की का आटा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। तो आप देख सकते हैं चिकन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको अब 30 मिनट तक मैं ढक के मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी, जिससे हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल सॉफ्ट और इसमें जो स्पाइसेस मैंने डाले हैं वो अच्छे से इसमें रच जाएँ। यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो मैरिनेट हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें वन बाय वन पीसेज में यहाँ पे चिकन के डाल दूँगी। तो देख सकते हैं मैंने वन बाय वन पीसेज यहाँ पे डाल दिए हैं। इसको मैं यहाँ पे फ्रेंड्स 2 मिनट पकाने वाली हूँ। इसको हम 70% तक करेंगे। ऐसा करने से ना इसको हम स्टोर कर सकते हैं और जब भी हमें खाना हो, जब भी हमें कोई घर पे गेस्ट आता है या किसी को सर्व करना हो, तो उस टाइम इंस्टेंट बस इसको निकाल के 1 मिनट और फ्राई करके इसको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं चिकन जो है एक साइड से पक चुका है। अब मैं पलट दूँगी इसको। तो यहाँ सारा चिकन को मैं ऐसे ही वन बाई वन पीसेस करके मैंने पलट दिया है। दोनों साइड से मैंने इसको 70% तक कुक कर लिया है, देख सकते हैं। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं पकाने वाली हूँ, 70% ही मैंने इसको कुक करा है। और ऐसे ही मैंने सारा जो चिकन बचा है ना उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये ना बहुत ऐसे अगर हम इसको फ्रीज कर लेते हैं या इसको स्टोर कर लेते हैं ना, तो जब भी कोई हमारे घर में गेस्ट आए तो हम उसको गर्मा गर्म बना के सर्व कर सकते हैं। तो इसको बनाना देख ही सकते हैं आप कितना आसान है। तो यहाँ जो बचा हुआ था चिकन वो भी मैंने फ्राई कर लिया था। ये यहाँ हमारा जो 70% कुक हो चुका है चिकन, देख सकते हैं, और इसको मैं रख दूँगी। तो अभी मैंने थोड़ी देर में इसको सर्व करूँगी। तो इसको मैं ढक के यहाँ पे मैंने रख दिया था 5 से 10 मिनट के लिए, और उसके बाद मैंने इसको फिर से फ्राई करा है उसी कढ़ाई में, क्योंकि इसको मैं अब करने वाली हूँ सर्व। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे चिकन के जो पीसीज है ना इनको दोबारा से कढ़ाई में डाल दिया है। यहाँ सारे पीसेस को मैंने यहाँ पे डाल लिया है, देख सकते हैं आप। बस इसको 1 मिनट तक मैं अब फ्राई करूँगी और फिर करूँगी इसको गर्मा गर्म सर्व। तो ये 1 मिनट तक फ्राई हो चुका है, इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं पकाऊँगी। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से इसका जो कलर आया है इतना अच्छा लग रहा है ये देखने में भी। तो बस इसको 1 मिनट हो चुका है पकते हुए और इसको अब मैं निकाल लूँगी और इसको करूँगी गर्मा गर्म सर्व। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गर्मा गर्म जूसी फ्राइड चिकन बिल्कुल बन के तैयार है, आप इसको सर्व करें। बच्चे बड़े सब बहुत प्यार से इसको खाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।